तो वहीं हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन एमके यादव से बातचीत की और उन्होंने ताजा हालात को लेकर क्या कुछ कहा वो देखिए। अमरनाथ गुफा में बड़ा हादसा हुआ, बादल फटने से अब तक लगभग 16 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 48 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है इस पर बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन एमके यादव साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत ज्यादा स्थिति और परिस्थितियां विकट नजर आ रही है वहां पर, तो ऐसे में अभी की क्या स्थिति, थोड़ी ताजा जानकारी दीजिए पहले। अभी की स्थिति ये है कि वहां पर जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, उसमें एनडीआरएफ की टीम वहाँ ऑलरेडी जो 3 प्लेस्ड हैं और एडिशनल रिसोर्सेज हम मोबिलाइज कर रहे हैं, उसमें केनाइन भी हैं, तो ये सर्च जो है एक्सटेंसिवली चल रही है। पूरे जो सस्पेक्टेड एरिया हैं जहाँ जहाँ पर उनकी डेड बॉडीज हो सकती हैं या इंजर्ड लोग मिल सकते हैं, उस एरिया में सर्च चल रहा है। अभी कितनी टीम आपकी वहाँ पर है और उससे ये बादल फटने की जो यहाँ पर घटना हुई है उस समय कितनी टीम ऑपरेशन में थी वहाँ पर? जिस टाइम ये घटना हुई उस टाइम पे एक टीम हमारी प्लेस थी और बाकी टीमें भी हमारी नियर बाई लोकेशन हैं उसमें हमने प्लेस की हुई हैं और बाकी भी जगह जो है, तो वहाँ से जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसके बाद में उस एरिया को हमने होली केव में ऑगमेंट कर दिया, तो 3 टीम हमारी बहुत जल्दी वहाँ पर 1 घंटे के बाद पहुँच गई। लगभग कितने लोग होंगे आपकी टीम्स में जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं अभी? अभी लगभग 75 के करीब हैं और जो हमारी एक टीम और हम भेज रहे हैं रिसोर्सेज के साथ पे, तो इसमें काफ़ी अच्छी नफरी हो जाएगी वहाँ। अब थोड़ा सवाल ये है कि एनडीआरएफ वहाँ पर लगातार वर्क कर रहा है, तो कितने वहाँ से बॉडीज़ आप लोग अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं और ताज़ा स्थिति अगर बात की जाए तो कितने लोग आपको लग रहा है कि फंसे हुए हैं वहाँ पर? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जो एवैक्यूएशन है वहाँ से इंजर्ड लोगों का और डेड बॉडीज़ का वहाँ से शुरू हो गया है और वो जो है श्रीनगर लाई जा रही हैं। जो लाई जा रही हैं कितनी बॉडीज हैं, कितने इंजर्ड लोग हैं, कुछ काउंटिंग है इस तरह की? अभी तक 16 लोगों को नीचे लाया जा चुका है। जो मतलब बॉडीज हैं, जो अब डेड बॉडीज हैं, और इंजर्ड कितने हैं वहाँ पर? इंजर्ड वहाँ पर हैं कोई 40 के करीब इंजर्ड हैं, तो उनको भी शिफ्ट किया गया है, उनको नीचे श्रीनगर में शिफ्ट किया जा रहा है। कितने लोग अब तक लापता हैं, कोई आंकड़ा श्राइन बोर्ड से आप लोगों को मिला है अभी तक? लापता का अभी नंबर जो है सर्टेन नहीं हो पाया, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी हम लोग जो है सर्टेन कर रहे हैं उसको, क्योंकि आप लोगों की टीम है। थोड़ा सा मैप से अगर मैं समझना चाहूँ तो ये बादल फटने की जो परिस्थिति हुई है वो किस जगह हुई, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी वहाँ पर? एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखें तो होली केव है। होली केव के जो केव और बेस कैंप के बीच में यहाँ पर जो टेंट्स थे, लगभग 25 टेंट जो है, वो जब यहाँ पर जलजला आया वहाँ पर तो क्लाउड बस्ट होने की वजह से, तो उसकी वजह से वॉश ऑफ हो गए। ये मतलब ये एग्जैक्ट लोकेशन ये थी यहाँ पर? एग्जैक्ट लोकेशन ये थी। तो आपकी जो टीम है, जो स्टार्स बने हुए यहाँ पर, ये टीम्स आपकी मौजूद थी? ये सारी आप देख सकते हैं, पंचतरणी है, बरारी है और बाल्टाल एक्सिस पे और जो पहलगाम एक्सिस पे, यहाँ पे हमारी टीम्स हैं। तो जो टीम यहाँ पर रुकी हुई है इनको आगे मूव कराया गया है, ये 3 टीम के अलावा ये 3 पीछे ही काम कर रही है? देखिए, उतने रिसोर्सेज हमने कर लिए जितने की अभी जरूरत है, बाकी जैसे जैसे अगर जरूरत और समझी जाएगी उसको करेंगे, बिकॉज अगर सारी टीमें मोबिलाइज कर देंगे तो बाकी जगह और कोई कंटिजेंसी अगर होती है तो उसको कैटर करने के लिए हमने रखी हुई है। सर, अभी यात्रा रुकी हुई है तो जो यात्री वहां पर रुके हुए हैं उनके लिए जो एनडीआरएफ टीम है, खाने पीने की व्यवस्था कुछ ऐसा आप लोग वहां पर कर रहे हैं या ये सरकार या श्राइन बोर्ड की तरफ से हो रहा है? देखिए, हम इसको ये कहेंगे कि श्राइन बोर्ड की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सब कार्रवाई चल रही है। क्या आपके जरिए पहुंचवाया जा रहा है, क्योंकि टीम वहां पर रेस्क्यू आप लोगों की वर्क कर रही है? हमारा मेन फोकस अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, रेस्क्यू कर रहे हैं। सबसे लास्ट और एक अहम सवाल लूंगा, अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनके परिवार के लोग चिंतित हैं, तो क्या यहां से आप मैसेज अभी फिलहाल कन्वे करना चाहेंगे? मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि भरसक प्रयत्न जो है चल रहे हैं और सर्च एंड रेस्क्यू में कोई भी कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, किसी भी तरह के रिसोर्सेज की किसी भी जरूरत पड़ेगी वो हमने मोबिलाइज कर दिया है और हम लोग इसको जो है पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है उनको सर्च कर लेंगे। क्योंकि आपने रेस्क्यू की बात की है तो पिछली बार भी, पिछले साल हालांकि यात्रा नहीं हुई थी, बादल एग्जैक्ट इसी जगह पर फटा था, अभी दोबारा यही कंडीशन हुई है, तो पहले से कुछ आइडिया था मौसम विभाग की तरफ से, कुछ अनुमान था आप लोगों को? देखिए, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है ये हम इस पर काम करते हैं और जो उसका लेआउट है, जो प्लानिंग है, वो काफ़ी होलिस्टिकली किया गया हुआ है इस तरह की कि नेचुरल डिजास्टर में हो जाते हैं डिजास्टर्स जो हैं, और इसके लिए पूरे प्रिकॉशन लिए जाएंगे और लिए गए थे पहले भी और आगे हम पूरी तैयारी के साथ। मौसम विभाग की तरफ से आपको एक था, पता था कि इस तरह का हो सकता है? वो अभी हम आपको इस पोजीशन पर नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ, अचानक होता है, इस तरह के एक फॉर्मेशन है वो एक उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है और इसके बारे में मुझे लगता है कि IMD आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पर है इस वक्त? जी, वहाँ पर है।
डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। चलिए बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये पूरे मैप के जरिए समझाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि इतनी ज़्यादा टीमें वहाँ पर डिप्लॉई हैं और एनडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल।